लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दीघा की अंबिका बिल्डिंग में अवैध कब्जा किसकी मेहरबानी से हुआ, इसका बड़ा खुलासा सामने आ गया है। इस धांधली के पर्दाफाश के बाद MIDC अधिकारियों ने अवैध कब्जा और अवैध बिजली पानी कनेक्शन के लिए पिरामिड बिल्डर्स को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद आरोपों में घिरे पिरामिड इंफ्राटेक ने टीवी वन इंडिया को नोटिस भेजकर जो खुलासा किया है वह रबाले पुलिस और MIDC अधिकारियों की भ्रष्टाचारी नीयत की पोल खोलता है। दस्तावेज सबूत देते हैं कि पिरामिड बिल्डर ने अंबिका बिल्डिंग में चल रहे अवैध कब्जे और लाइट पानी कनेक्शन की धांधली को लेकर रबाले पुलिस को कई महीने पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस और MIDC अधिकारी कार्रवाई की बजाय तमाशबीन बने रहे। यह धांधली अभी भी जारी है और कानून के रखवाले आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का मजाक बनाते हुए मौज कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दीघा के सील्ड अंबिका बिल्डिंग का ताला किसने तोड़ा? अंबिका में अवैध लाइट पानी दिलाने की धांधली किसने की? आखिर कौन से वो नेता और अधिकारी भूमाफिया है जिन्हें न तो कोर्ट का डर है न कानून की चिंता? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिरामिड बिल्डर्स, रबाले पुलिस या MIDC के अधिकारी? जी हाँ, इस धांधली को लेकर जब टीवी वन इंडिया ने कोर्ट रिसीवर MIDC से सवाल पूछा तो उसके अभियंता कलकुट की और SS गित्ते ने पिरामिड बिल्डर को जिम्मेदार बताया, जिसे अंबिका बिल्डिंग एज इट इज सौंपी गई है। जाहिर है जब मालिक पिरामिड बिल्डर्स है तो धांधली के लिए भी वही जिम्मेदार होगा। लेकिन टीवी वन इंडिया ने जब इसकी खबर प्रकाशित की तब कोर्ट अवमानना के आरोपों में घिरे पिरामिड बिल्डर्स ने ऐसा जवाब दिया जो बड़ा खुलासा करता है। पिरामिड बिल्डर ने नोटिस भेजकर जहां खबर पर आपत्ति जताई, वहीं अवैध कब्जे के लिए रबाले पुलिस और MIDC अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराया। पिरामिड की यह नोटिस अंबिका की धांधली की पोल खोलने के लिए काफी है। यकीन नहीं आता तो पिरामिड इंफ्राटेक की यह नोटिस जरा गौर से देख लीजिए। 18 जून को बिल्डर ने यह नोटिस TV1 इंडिया के साथ ही रबाले पुलिस और MIDC और बिजली अधिकारियों को भी भेजा है और दस्तावेजों के साथ खुलासा किया है। अब रबाले पुलिस को भेजा गया इसका दूसरा लेटर भी देख लीजिए। पिरामिड बिल्डर्स ने खत में अंबिका में चल रहे अवैध और अवांछित लोगों के प्रवेश और निर्माण पर गंभीर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए एक्सपर्ट इसे हाईकोर्ट आदेश का खुला उल्लंघन मानते हैं जो पुलिस और MIDC के इशारे पर चल रहा है। चूंकि ये लैंड बिलोंग करती है MIDC को, तो कंसर्न MIDC ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उस कोर्ट के आर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए और लोकल जो पुलिस स्टेशन है उनको सपोर्ट करे। अगर उस बिल्डिंग में इलीगल लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की जा रही है और अगर लोगों को रहने दिया जा रहा है, तो इसके लिए MIDC और जो लोकल पुलिस स्टेशन या अन्य गवर्नमेंट के उसके कंटेम्प्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका जाएगा और अगर कोर्ट के आर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और जो इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं, जो इस तरह के कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, ऐसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। बताना जरूरी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद दीघा में जिन 9 इमारतों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ था, अंबिका बिल्डिंग उन्हीं में से एक है जो सिर्फ कहने के लिए फाइलों में सील है। हालांकि हकीकत में यह अवैध लोगों का अवैध कब्जा है। सवाल यह है कि अगर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अंबिका का ताला तोड़ा जा सकता है और लोगों को फिर से बसाया जा सकता है, तब दीघा की दूसरी इमारतों के रहवासियों को कब बसाया जाएगा? यदि कानून सबके लिए बराबर है तो फिर भगत बिल्डिंग, कमलाकर, मोरेश्वर अपार्टमेंट और कमला हाइट जैसी बाकी इमारतों का ताला कब टूटेगा? आखिर बाकी अवैध इमारतों से बेघर किए गए लोगों को
दोबारा वहां कब बसाया जाएगा। रहिवासी मांग कर रहे हैं कि या तो अंबिका को फिर से सील कर दिया जाए या सभी इमारतों का ताला तोड़कर लोगों को रहने दिया जाए। अब देखना होगा कि अंबिका की इस धांधली पर पुलिस और MIDC अधिकारी कौन सा रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।